एवरीवन वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सुनीता। तो आज का ये जो वीडियो है इट्स अबाउट वॉशिंग मशीन क्लीनिंग। हम जैसे हमारे लिए हमारे कपड़ों को क्लीन करना इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही हम वॉशिंग मशीन को क्लीन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि थोड़ी टाइम क्योंकि हमारी अगर हम अपनी वॉशिंग मशीन को क्लीन नहीं करेंगे तो हमारे कपड़ों से जो जर्म्स, जो गंदगी, जो वॉश आउट जो निकलता है वो हमारी वॉशिंग मशीन में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जिनको क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ वही बैक्टीरिया हमारे नेक्स्ट टाइम जब हम कपड़े धोएंगे तो उनमें भी उनमें वो बैक्टीरियाज आ जाएंगे, और विच इज़ नॉट हाइजीनिक। एंड ज़्यादा लंबे टाइम तक अपनी वॉशिंग मशीन को क्लीन नहीं करते हैं तो वो स्मेल हमारे कपड़ों से भी आने लग जाती है। तो आइए आज क्लीन करते हैं वॉशिंग मशीन। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉशिंग मशीन। तो सोप डिस्पेंसर होता है जहाँ पर हम डिटर्जेंट डालते हैं वॉशिंग मशीन। फ्रेंड्स, मैं अपनी वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग विनेगर और डिटर्जेंट से करती हूँ। आई डोंट यूज़ बेकिंग सोडा, और मैं यूज्ड ब्रशेस को अपने स्टोर कर रखती हूँ टू क्लीन दी वॉशिंग मशीन, टू क्लीन दी पाइप्स और एनीथिंग इन द हाउस। दीज आर द वेरी डिपेंडेबल यूज्ड ब्रशेस, बहुत ही डिपेंडेबल हैं। इनसे ही लंबी होती हैं, पतली होती हैं, जहाँ हमारे हाथ और स्क्रबर्स नहीं पहुँच पाते ईजीली क्लीनिंग के लिए, वहाँ टूथ ब्रशेस पहुँच जाती हैं और ईजीली क्लीनिंग हो जाती है। सो आई कीप देम टू। देखिए, जैसे अभी ये ब्रश जो है अंदर जाकर अंदर से सारी क्लीनिंग कर रही है। नेक्स्ट जो है वो वॉशिंग मशीन के अंदर जो रबड़ के का जो वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है उसके जो एजेस हैं, हम उसको अंदर और बाहर से साफ करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोर्शन को क्लीन करने के लिए मैं विनेगर का यूज़ कर रही हूँ, और मैंने ब्रश पर ले लिया है थोड़ा सा डिटर्जेंट, और इसी की हेल्प से आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी सारी सफाई हो रही है और ईजीली सारी सफाई हो रही है। वॉशिंग मशीन का ड्रम के एजेस साफ़ करने के बाद चलिए नेक्स्ट जो है वो वेस्टेज स्टोरेज बॉक्स और डस्ट स्टोरेज बॉक्स को क्लीन करना है। होते हैं जो कपड़ों की जो ज़्यादा हैवी गंदगी होती है वो इस कॉर्नर में जाकर जमा हो जाती है। ये हर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर, ऑलमोस्ट हर वॉशिंग मशीन में होता है। तो मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर ये मेरी वॉशिंग मशीन के अंदर ये है। तो आइए चलिए क्लीन करते हैं इसे। ये सबसे ज़्यादा गंदगी जो होती है वॉशिंग मशीन में वो इसी पार्ट में होती है। इसे क्लीन करने के लिए मैंने लिया है डिटर्जेंट एंड विनेगर।
इस पोर्शन को फ्रेंड्स मैंने विनेगर और डिटर्जेंट से साफ़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्लोर क्लीनर्स इसमें लगाकर छोड़ दिया था और मैंने डिटेल में इसकी क्लीनिंग अप कर दी है। और वो जो फ्लोर क्लीनर है वो वॉशिंग मशीन में अंदर चला जाएगा, तो खाली जब मैं जब टब क्लीन टब करूँगी तो उससे वो और ज़्यादा इंटरनली क्लीनिंग हो जाएगी। अब इसके क्लीन करने के बाद नेक्स्ट जो है हम वो अपनी वॉशिंग मशीन का ड्रम क्लीन करेंगे। चलिए ड्रम क्लीन करते हैं। ड्रम को क्लीन करने के बाद अब हम अपनी वॉशिंग मशीन को अंदर और बाहर से मैं इस लोफा से साफ़ करती हूँ। मैं लोफा पर सर्फ लेकर लोफा से साफ़ करती हूँ। आई डोंट यूज़ एनी स्क्रबर हेयर टू क्लीन द ग्लास एंड आउटर पोर्शन ऑफ द वॉशिंग मशीन, क्योंकि उससे स्क्रैचेस आ जाते हैं। कोई साफ़ कपड़े को के पानी में, डिटर्जेंट के पानी में सोख करके आप उस साफ़ कपड़े से भी वॉशिंग मशीन का ग्लास और आउटर पोर्शन आप क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास लोफा है तो मैं लोफा से ही सारी क्लीनिंग इसकी कर लेती हूँ, जो बहुत ही अच्छे से हो जाती है और कोई स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। सो आई यूज़ लोफा टू क्लीन द ड्रम फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम द मशीन फ्रॉम आउटसाइड। इसके बाद मशीन में जो क्लीन टब और ऑटो क्लीन का जो ऑप्शन होता है मैंने वो ऑन कर दिया है और अपनी मेरी मशीन अब इंटरनली क्लीन हो रही है। ये हमें वीकली ज़रूर करना चाहिए और बाहर से साफ़ करने, पानी से साफ़ करने के बाद एक सूखे साफ़ कपड़े से साफ़ ज़रूर कर लीजिए, वरना पानी के सफ़ेद निशान मशीन के ऊपर और ग्लास के ऊपर बन जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। टू अवॉइड दैम एंड आफ्टर फुल क्लीनिंग लीव योर मशीन एंड सोप डिस्पेंसर ओपन फॉर 1 आवर मिनिमम। हर बार कपड़े धोने के बाद मशीन का ढक्कन थोड़ी देर के लिए खुला ज़रूर छोड़े, उससे इसमें स्मेल नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वॉशिंग मशीन क्लीनिंग तरीका। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।